हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की टिक्की चाट विद मटर की चाट के साथ, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, एकदम स्ट्रीट फूड जैसी ही बनाएंगे हम इसे। हम लोगों को बाहर का खाना सबको पसंद होता है, लेकिन हम तरीके से उसे घर में बनाएं तो ये बाहर से भी ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनता है। तो चलिए हम अपना जो है बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चाट को जो है कंटिन्यू करते हैं, और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने ये हाफ के जी आलू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और 1 से 2 सीटी में मैंने इसे बॉईल कर लिया है। और इसके साथ ही मैं मटर की चाट भी बना लेती हूँ। तो मैंने कुकर में जो है पानी डाल दिया है, और फिर कटे हुए टमाटर, कटी हुई प्याज और एक आलू को जो है काट के इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम अपनी भीगी हुई मटर इसमें ऐड कर देंगे। तो मटर को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरीके से भिगो लिया था, और कर उसे इसमें ऐड कर देंगे। और फिर साथ में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर एज अ टेस्ट, नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला इसमें डाल देंगे, और 2 से 3 सीटी तक से अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। और ये मेरे आलू भी मैंने छील के रेडी कर लिया, तो इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। और मैंने लिए हैं 5-6 ब्रेड जिसके मैंने क्रम्स कर लिया है, और इसमें हम आलू में अपनी मैश कर देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसे भी मिक्स कर देंगे एज अ टेस्ट। इसमें नमक डाल देंगे, आप चाहो तो इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए। और इसके बाद देखिए हमारी ये मटर चाट भी बहुत अच्छी तरीके से बन गई है, और मटर भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो ये देखिए हमारा जो मटर का जो छोला चाट है वो भी बनके रेडी हो गया है। तो मैं इधर आलू के मिक्सचर को जो है मैंने 1-2 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दिया था ताकि ये ठंडा हो जाएगा, तो इसकी हम टिक्कियाँ जब बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हमारी टिक्की बनेंगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। तो ये मैंने गोल गोल अपने टिक्की को शेप दे दिया है हथेली से, थोड़ा सा दबाने के बाद हमारा ये टिक्की का शेप जो है रेडी हो जाएगा। और मैंने इधर पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, अब हम अपनी टिक्की को वैसे ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे, हमें लो फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, हमारी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स भी ऐड किया है और कॉर्नफ्लोर भी डाला है। ये बहुत ही क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ जो है बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये सिक गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखने में भी बहुत क्रिस्पी लग रही है। तो हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने प्लेट में जो है अपनी आलू की टिक्की निकाल ली है, और इसके साथ ही मैं इस पर डाल दूंगी हमारी मटर की चाट, और फिर मैंने दही लिया है उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है, थोड़ी सी शक्कर उसमें ऐड कर दी है, और फिर हम अपने दही जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर खट्टी मीठी चटनी जो मैंने इमली की बनाई है वो डाल देंगे, हरी चटनी मैंने पुदीने की और धनिए की बनाई है वो डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और अपनी नमकीन जो चाट वाली नमकीन होती है वो डाल देंगे, थोड़ी सी पानी पूरी मैंने इस पर क्रश करके डाल दी है। ये हमारी फाइनली चाट बनके हो गई है रेडी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं तो मोस्टली सारी चीज़ें घर में ही बनाती हूँ क्योंकि घर में बहुत ही टेस्टी बनती है और पेट भर कर खाने को मिलती है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।